नमस्कार दोस्तों, यह मेरे पास सैमसंग गैलेक्सी S23 अल्ट्रा। दोस्तों इससे पहले मैंने इसकी वीडियो बनाई थी इसकी अनबॉक्सिंग को लेके, और कुछ दोस्तों इशू थे इसको लेके उसके बारे में बताने के लिए। पर दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ इस फ़ोन के कुछ बैक कवर के बारे में, जो मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊँगा कि आपको किस तरह का बैक कवर यूज़ करना चाहिए और आप अपने हिसाब से इनमें से कौन सा बैक कवर यूज़ कर सकते हो अपनी चॉइस के हिसाब से। दोस्तों जी ये फ़ोन है, इसके ऊपर कुछ रिंग लाइट लगी हुई हैं, तो इनके हिसाब से दोस्तों इनके अकॉर्डिंग आपको कौन सा कवर लेना चाहिए, और अगर आप कोई और कवर यूज़ करते हो तो ये काम करेंगे रिंग या नहीं, ये मैं आपको वीडियो में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों देखिए मेरे पास कुछ कवर हैं जिनको मैं एक एक करके आपको दिखाऊँगा। दोस्तों सबसे पहला कवर आता है ट्रांसपेरेंट कवर, जो दोस्तों काफ़ी नॉर्मल होता है और आपको हर मॉडल में हर फ़ोन के लिए आपको आपकी मार्केट या ऑनलाइन ऑफलाइन हर जगह मिल जाता है काफ़ी आसानी से, क्योंकि इस कवर का यूज़ होता है सिर्फ आपके फ़ोन पर स्क्रैच वगैरह ना आए इस वजह से, बाकी इसकी कोई प्रोटेक्शन नहीं होती कि आपको फ़ोन को जो अच्छे से प्रोटेक्ट कर सके, इतना अच्छा यूज़ नहीं होता। सिर्फ ये आपको आपके फ़ोन पर जो डस्ट वगैरह होती है उससे बचाता है कि जब आप इसको यूज करते हो तो आपके फ़ोन के बैक पर कोई भी स्क्रैच वगैरह आसानी से ना आए। तो मैं आपको दिखाता हूँ, क्योंकि ये जो कवर है जिस पर अप्लाई नहीं हो पाएगा, क्यों नहीं हो पाएगा ये भी मैं आपको वीडियो में बताऊँगा। ये देखिए वैसे मैं यूज़ करके दिखाता हूँ, इस पर रिंग लाइट लगी हुई है, तो रिंग लाइट की वजह से दोस्तों ये जो कवर है ये इस पर फिक्स नहीं हो पाएगा, क्योंकि अगर मैं इसको फिक्स करूँगा इसको अप्लाई करूँगा तो मेरे फ़ोन की जो रिंग है कैमरे पे वो दोस्तों हट सकती हैं। बट फिर भी मैं एक बार यूज करके देखता हूँ। ये देखिए दोस्तों लग तो गया है ये, बट जो रिंग है दोस्तों वो काफ़ी इसमें अच्छी तरह से फंस चुकी हैं, क्योंकि अगर मैं इसको अलग से इसको अगर निकालता हूँ तो रिंग भी निकल सकती है एक हाथ, ये दिक्कत आ सकती है। बाकी आप देख सकते हो इसकी फिटिंग कैसी है, देखिए फिटिंग दोस्तों काफ़ी अच्छी है। ये देखो साइड से मैं दिखा दूँगा आपको, क्योंकि इस यहाँ से दोस्तों थोड़ा ऊपर उठा हुआ है ये कवर, ये देखिए इस तरफ से भी, बट साइड से दोस्तों डिस्प्ले थोड़ी ऊंची है क्योंकि ये कर्व डिस्प्ले है, और बटन का दोस्तों काफ़ी इसके सही यूज काफ़ी अच्छी तरीके से कवर कर रहे हैं। तो आप देख सकते हो कि अगर आपको ये कवर चाहिए तो आपको रिंग नहीं लगानी है अपने फ़ोन पर, क्योंकि ये ठीक से वर्क नहीं करेगा, कभी भी रिंग निकल सकती है और आपको नुकसान हो जाएगा रिंग का, क्योंकि दोस्तों आप रिंग लगाते हो जब इसका यूज ही नहीं हो पाएगा तो उसको लगाने से फ़ायदा क्या है। देख सकते हो आप जब कवर यहाँ से थोड़ा उठा हुआ है रिंग की वजह से, देखिए आप देख सकते हो इधर। तो अब मैं दूसरा कवर दिखाता हूँ जो दोस्तों काफ़ी अच्छे कवर हैं, जो उन लोगों के लिए जिनको सिर्फ ट्रांसपेरेंट कवर ही चाहिए, वो भी सिलिकॉन केस के साथ। देखिए हमारे रिंग पर कोई दिक्कत तो नहीं आई है, बट फिर भी दोस्तों आपको ध्यान रखना है इस चीज़ का। अब दोस्तों मैं आपको दूसरा कवर दिखाता हूँ, तो वो है दोस्तों जी कवर, जो दोस्तों आपने कई बार फ्लिपकार्ट वगैरह या फेसबुक पे इसका लिंक देखा होगा, ये वीडियो में दिखाया जाता है, इसमें ऐड आते रहते हैं। तो जी वो कवर है जो दोस्तों एकदम पतला है, देखिए प्लास्टिक का है, इसमें कोई प्रोटेक्शन नहीं है, जो सिर्फ एक तरीके से मान लो जो स्क्रीन प्रोटेक्टर है जो आप पीछे बैक पर लगवा लेते हो डिजाइन वाले, सेम उस तरीके से वर्क करता है ये। तो मैं आपको इसको लगा कर दिखाता हूँ, ये काफ़ी हार्ड है दोस्तों, देखिए इस पर अप्लाई हो चुका है, तो ये काफ़ी अच्छा लगता है, ये कवर काफ़ी प्यारा लगता है फ़ोन के ऊपर। ग्रीन कलर का फ़ोन है अगर आपके पास तो ये कवर आप लेते हो ब्लैक कलर का, तो ये काफ़ी अच्छा लगता है। बट दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि इसमें कोई भी प्रोटेक्शन नहीं है आपके फ़ोन को ले गए, ये अगर आपके हाथ से अगर बाई चांस फ़ोन छूटता है तो भले ही ये इस साइड से गिरे या ऐसे गिरे, कवर के साइड से गिरता भी है, लेकिन जो भी दिक्कत आएंगी वो आपके फ़ोन में आएंगी, क्योंकि इसमें कोई भी अच्छी प्रोटेक्शन नहीं है, सिर्फ ये एक पिन्नी की तरह काम करता है, काफ़ी पतला है प्लास्टिक, हार्ड प्लास्टिक केस है ये सिर्फ देखने में अच्छा लगता है। बट काफ़ी लोग होते हैं जो उसको वीडियो में देख के, जो फेसबुक पर एड वगैरह आते हैं वहाँ से देख के उसको मंगा लेते हैं, तो इसीलिए मैंने दोस्तों आपको बताने के लिए ये चीज़ जो कवर लिया, और ये दोस्तों मैंने कहाँ से खरीदे हैं, ये मैं आपको इस वीडियो को लास्ट में बताऊँगा, तो वीडियो को पूरा देखना दोस्तों, बिल्कुल भी स्किप मत करना। और हम जो भी कवर मैं इस वीडियो में दिखाऊंगा सबकी प्राइस आपको ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों जगह की बताऊंगा, ये आपको कहाँ से बेस्ट रहेगा। तो देखिए काफ़ी हार्ड है ये, और इस तरह कवर तो दोस्तों वैसे भी यूज नहीं करने चाहिए, आपकी डिस्प्ले जो होती है उसको बेंड होने का दोस्तों खतरा बना रहता है फ़ोन को।
देखिए कितना हार्ड है, आप देख सकते हो प्लास्टिक का काफ़ी हार्ड। देखिए अब दोस्तों मैं तीसरा कवर दिखाता हूँ जो दोस्तों मैक्स शेप डिजाइन को लेकर, बट दोस्तों ये मैक्स शेप नहीं है क्योंकि मैंने लोकल वाला ख़रीदा है, मैक्स शेप की मुझे ज़रूरत ही नहीं है तो मैंने मैक्स शेप को नहीं लिया। जो बिना मैक्स शेप वाला है पर यूज़ कर रहे हैं, पर जो है वो दोस्तों मैक्स शेप की तरह है। तो ये कवर प्लास्टिक का देख सकते हो, जो पीछे हार्ड प्लास्टिक है बट ट्रांसपेरेंट है, और साइड से भी दोस्तों ये प्लास्टिक ही है बट इसमें डिजाइन दी गई है अलग तरीके की। तो जी मैं आपको अप्लाई करके दिखाता हूँ। जी दोस्तों उन लोगों के लिए जिनको एक ट्रांसपेरेंट कवर चाहिए, दोस्तों मैं आपको ऐसे दिखा देता हूँ क्योंकि ये काफ़ी हार्ड होते हैं। ये कवर मैंने इसलिए मंगाया क्योंकि काफ़ी लोग होते हैं जो वीडियो में इसी कवर के, इनकी डिज़ाइन जो होती है कलर जो होते हैं उनको देख के इनको मंगा लेते हैं, पर ये काफ़ी बेकार कवर होते हैं। तो आप देख सकते हो काफ़ी हार्ड है, फ़ोन पर काफ़ी टाइटली फिट हो रहा है, जब आप इसको लगाओगे काफ़ी टाइट लगेगा, जब इसको निकालते हो तो काफ़ी दिक्कत आ सकती है, आपकी जो मेमोरी ना साइड वाली हट सकती है, इसके इस पर स्क्रैच भी आ सकते हैं, इसको भी हटाते हैं दोस्तों। अब मैं आपको दिखाता हूँ एक ऐसा कवर जो काफ़ी अच्छा है मेरे लिए, जिसको मैं यूज भी कर रहा हूँ कई दिनों से दोस्तों, वो है ये कवर, ये देखिए जे, इसका दोस्तों कोई ब्रांड नहीं है, आपको ये लोकल मार्केट में भी मिल जाएगा और ऑनलाइन भी मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको मिल जाएगा दोस्तों। वो देखिए ये कवर है, ये पीछे से हार्ड प्लास्टिक का है, इतना हार्ड भी नहीं है, और दूसरी चीज़ दोस्तों देखिए इसका कैमरे की रिंग जो बम्प है ये कितना उठा हुआ है। आप इस फ़ोन पर इसको अप्लाई, रिंग को अप्लाई करो या ना करो, जो आपके फ़ोन जो है दोस्तों उसके कैमरे को काफ़ी अच्छा प्रोटेक्शन देता है। और दोस्तों साइड जो है इसका ये रबड़ का है, ये देखिए हार्ड नहीं है, ये कि आपके फ़ोन को दिक्कत आए, देखिए पूरा रबड़ है, देखो मुलायम प्लास्टिक का ऊपर नीचे सब जगह, सिर्फ पीछे का हिस्सा हार्ड है बस। तो देखिए मैं इसको अप्लाई करता हूँ, अब देखिए दोस्तों अपने फ़ोन को, इसका जो नीचे का हिस्सा है वो काफ़ी उठा हुआ है सेम ऊपर का भी, बस साइड से दोस्तों ये थोड़ा फ्लैट है, देखिए। तो जी वो कवर है दोस्तों काफ़ी अच्छा है, इस पर इसका आप देख सकते हो रिंग लगाने के बाद भी हमारा जो कैमरा है वो इस उठे हुए हिस्से से काफ़ी अंदर है, जब आप रिंग नहीं लगाओगे फिर भी आपका कैमरा काफ़ी अच्छी तरीके से प्रोटेक्ट रहेगा इस कवर को लगाने के बाद। तो इसके ऊपर एक दोस्तों फिल्म लगी होती है जो मैंने अभी हटाई नहीं थी, तो मैं उसको हटाता हूँ, फिर आप उसकी क्वालिटी देखना, देखने में कितना प्यारा लगता है दोस्तों। ये कवर ट्रांसपेरेंट है और ये पीला भी नहीं पड़ेगा, जैसे मैंने इससे पहले जो कवर दिखाया था वो पीले पड़ सकते हैं। तो आप देख सकते हो कितना अच्छा लग रहा है। अब दोस्तों इनकी प्राइस की बात करूँ तो जो अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ ये वाला कवर, ये आपको आपकी मार्केट में मिल जाएगा 400 रुपये के आसपास, आप थोड़ा बार्गिन करोगे 400 रुपये में मिल जाएगा, बट आप इसे ऑनलाइन खरीदते हो तो ये करीब 800 रुपये का मिलता है, 750 या 800 के बीच में, और इससे ऊपर भी हो जाता है कभी कभी। जियो कवर है दोस्तों हार्ड वाला, ये आपको आपकी मार्केट में 120 या 150 के आसपास मिल जाएगा, लास्ट 150 रुपये तक का, बट इसका यूज़ करने का कोई फ़ायदा नहीं है, और ये ऑनलाइन दोस्तों आपको 300-400 के बीच में मिल जाता है। जे वाला कवर दोस्तों आपको 799 रुपये का मिलता है, क्योंकि काफ़ी पतला है, देखने में अच्छा लगता है बट इसकी कोई प्रोटेक्शन नहीं है। ये आपको फेसबुक पे आप देख सकते हो उसमें मिल जाता है बट इसकी कोई यूज नहीं है, जे मैंने अपनी मार्केट से सिर्फ 150 रुपये का ख़रीदा था। और लास्ट कवर दोस्तों जो है ट्रांसपेरेंट वाला जियो कवर है, जी कवर सिर्फ 100 रुपये का मिल जाता है, 100 से 120 का, चाहे आप इसे अपनी मार्केट से कहीं से भी खरीद सकते हो, आसानी से मिल जाएगा, और ऑनलाइन इसकी प्राइस दोस्तों 300 के आसपास होती है। तो यही कुछ कवर थे दोस्तों जिन्हें मैं आपको दिखाना चाहता था, बाकी और भी कई क्वालिटी आती हैं जो काफ़ी अलग अलग तरीके की होती हैं। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी ये बताना, और आपको कौन सा कवर सबसे बेस्ट लगता है इनके अलावा वो आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हो। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।